अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मूव एंड पिक होटल कराची में मौजूद हैं, जहां पर शनाइडर इलेक्ट्रिक ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और हम जिनसे बात करेंगे एहसन कमर साहब है। एहसन कमर साहब जो है यहाँ के कंट्री लीडर हैं और हम इनसे जानते हैं कि प्रोग्राम मुनक़द करने का क्या मकसद है और इससे क्या इलेक्ट्रिक शनाइडर इलेक्ट्रिक को बेनिफिट मिलने वाला है या इससे क्या इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलने वाला है। जी एहसन साहब, प्लीज़ हमें बताइएगा जो आपने प्रोग्राम मुनक़द किया है, क्या इसका करने का मकसद था। देखिए, हमने सोचा कि हम साल के शुरू में अपने सारे कस्टमर्स के साथ एक मुलाकात रखें जिसमें हम अपने कंट्री के एक बहुत बड़े इशू के ऊपर उनके साथ बातचीत कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और शनाइडर का ये मिशन है कि हम एनर्जी को एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके के साथ अपने कस्टमर्स तक पहुँचाएँ। सो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने कस्टमर्स से एनर्जी मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बातचीत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या, और फिर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है तो इसके हवाले से भी बताएं कि क्या क्या ज़राए हो सकते हैं जिससे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिले और आम आवाम जो कंज्यूमर आम उनको भी बेनिफिट मिले। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हम देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो आधी से ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन्स कर रहे हैं, यानी कि CO2 इमिशन्स। और ये CO2 इमिशन्स जो अगर हम गौर से देखें तो पिछले चंद सालों के अंदर तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो गई हैं। सो जहाँ एक तरफ एनर्जी यानी कि बिजली की डिमांड हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वहीं पर ही हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक बहुत मनफी असर पैदा कर रहे हैं। सो शनाइडर का मकसद ये है, आर विजन एंड आर मिशन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। और उसी टॉपिक को लेकर हम इस वक्त अपने कस्टमर्स के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनके साथ बातचीत कर सकें, उनकी एनर्जी डिमांड्स को समझ सकें और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए एफिशिएंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ उनके साथ बातचीत कर सकें। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन सर ये भी बताएंगे जैसे कि सोलर इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिवली सोलर कंपनीज आई हुई हैं और सोलर एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो सर इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलेगा? इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ी नीड है, ठीक है, और रेजिडेंशियल तो चले खैर इतनी बड़ी कंजम्पशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी नीड है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना बेनिफिट ले सकते हैं? सोलर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम अगेन मैं बात करूँगा जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, सोलर से प्रोड्यूस हुई हुई एनर्जी ओवरऑल एनर्जी लैंडस्केप के अंदर कोई 5 से 6% है। सो इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन एनर्जी ख़ास तौर पे घरों के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप NTDC के स्टैट्स देखिए तो तकरीबन 45% एनर्जी की कंजम्पशन पाकिस्तान की, टोटल एनर्जी की कंजम्पशन जो है वो घरों के अंदर हो रही है। सो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने बिजनेसेस और अपने घरों को शिफ्ट करें, इससे हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल दुनिया रहेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, ये जो इतने हाई बिल आ रहे हैं लोगों के, लोग इसके वाले से बहुत परेशान हैं जी। तो जो आपका ये प्रोग्राम है जो लेकर अपने कस्टमर के लिए आप आए हैं, तो इससे क्या मतलब कितना रिलीफ मिल जाएगा? वैसे तो इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारे एनर्जी बिल को ब्रेक डाउन करें तो एनर्जी बिल के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एनर्जी का कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट का है। कैपेसिटी पेमेंट IPPs जब से लगे हैं वो उसका बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। सो एनर्जी बिल के अंदर कैपेसिटी पेमेंट का जो एलिमेंट है वो अगले 10 साल रहेगा। सो ये नहीं हम कह सकते कि एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाएगी,
थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि उस कैपेसिटी पेमेंट्स को बेयर करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाना होगा। अगर आप कोई हमारे प्लेटफॉर्म से मज़ीद कोई मैसेज इंडस्ट्री को देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताएं। ज़रूर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से तमाम इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एनर्जी की डिमांड और एनर्जी की कॉस्ट दोनों अगले 10 सालों के अंदर बढ़नी है, और उसके साथ साथ जो CO2 की इमिशंस हैं वो भी उसी के साथ साथ बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस वक्त कि हम ये देखें कि हम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से एफिशिएंटली कितनी कंजम्पशन हो रही है, उसमें से कितनी एनर्जी ज़ाया हो रही है जो कि किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। सो पार्टनर विद अस एंड वी वॉन्ट्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो अलायंस विद द इंडस्ट्री टू मेक श्योर that we are the partner of choice for a sustainable and efficient future. बहुत बहुत शुक्रिया एहसन कमर साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि एहसन कमर साहब थे जो कि Schneider Electric के कंट्री लीडर हैं, और बड़ी अच्छी डिटेल उन्होंने बताई, इस प्रोग्राम के हवाले से भी बताया। और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।